मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है गाइस। यार कम ऑन, तू डरा मत मुझे। यार किसने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया होगा? ए यार, जीप के साथ? आर यू क्रेजी? रिलैक्स गाइस, वो कोई बच्चा थोड़ी है, कहीं कहीं क्या होगा। मेरे पास एक सलूशन है, विल कॉल हिम। मिल गया, निकल 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 को पूछ, कहाँ है वो, पूछ। इट्स रिंगिंग। अरे यार, एक्साइटमेंट बंद कर, फोन इधर ही छोड़ के गया। क्या बात कर रहा है यार? गाइस, आई रियली थिंक वी नीड टू टॉक टू दादाजी। पर उनसे बात करेगा कौन? कोई भी बोलेगा। हाँ, कोई भी। कोबरा बोलेगा। हाँ, भेजा। मैं एक काम करते हैं, साथ में बोलते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, सब चल। हाँ, अब अपने पास तो बस यही घर बचा है। हम तो आपको पहले ये ना बोले थे, वो जो सोना रखा है वो बेच देते हैं ना, कुछ तो पैसा मिले। लाजो की माई, तुम बार बार वो गहना की बात काहे करती हो? उससे नहीं होगा, 80,000 इकट्ठा नहीं होगा। तो कहा करेंगे, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? कुछ तो करना ही ना पड़ेगा। नहीं करेंगे ना तो लाजो का ब्याह टूट जाएगा। एक घर ना गिरवी रख दीजिए। अपनी बिटिया की तो काम आएगा ये घर। लाजो की माई, गिरवी रख देते ये घर को। हम ना तुम्हारा मन अच्छे से समझते, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि लाजो का ब्याह कितना बड़ा घर में हो रहा है। अब तो लोग रिश्तेदार ना हो जाएंगे, कुछ दुख सुख आएगा तो थोड़ा बहुत मदद तो कर भी ना करेंगे ना करे, भगवान है ना सब कुछ करने के लिए। भगवान भी नहीं रहेगा ना तो आप है ना, हमको ना आप पर पूरा भरोसा है, आप सब कुछ कर लेंगे, सब ठीक कर देंगे, आपको पूरा भरोसा है, आप सब ठीक कर दें। अम्मा जरा जबान निकालो, जबान बाहर निकालो। हाँ जबान। अम्मा दवाइयाँ नहीं लोगी तो तुम्हें मैं ठीक कैसे करूँगा? डॉक्टर साहब, बात यह है कि सारा कसूर वही लाजो का है। लाजो का? हाँ। लाजो, लाजो यहाँ आओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? यहाँ आओ, हम आते हैं। हाँ, हम आते हैं। क्या हुआ? क्या बदमाशी की तुमने?
अम्मा ने दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही। हमने कहा बदमाशी की अम्मा? कुछ ना कुछ तो किया होगा, ये अम्मा झूठ थोड़ी ना बोल रही है। दद्दा हम तो भूल ही गए, वो कहा है ना अम्मा कि हम आपको ये बताना भूल गए कि कौन से वक्त कौन सी दवा लेनी है, पर आप भी तो हमसे पूछ सकती थी ना। क्या क्या मतलब? मतलब ये है डॉक्टर साहब कि आपने तो दवा दी थी पर अम्मा ने नहीं ली। अम्मा तुमने दवाई काया नहीं खाई? डॉक्टर साहब बात ये है, आप तो फर्र 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 बोल देते, हमका तो कुछ समझ में नहीं आता है। और उस दिन ताजो नहीं थी, वरना ये बता देती दवा कब खानी है कैसे खानी है, ये बात है और कुछ नहीं। माफ कर देना लाजो बेटा, I'm sorry। अरे क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब? अम्मा हम आपको बता देते हैं कौन सी दवा कब लेनी है, लेकिन भूलना नहीं, तनिक बैठो। अरे मुनिया तुम आ गई, कैसा है बुखार अब? इतना तेज बुखार, क्या हुआ? दवा नहीं लिए थे का? क्या हुआ, इसने भी दवा नहीं ली? तुमको तो बताया था दवा लेने के लिए, अब क्या लाजो गांव के घर घर जाकर बताएगी कि कैसे किसको दवा लेनी? अरे शादी कर रही है, शादी करके ससुराल चली जाएगी तो तुम लोग किससे दवा समझोगे? कौन बताएगा तुम लोगों की दवा कैसे लेनी है? डॉक्टर साहब गलती हो गई। चल मैया। अरे दीनू काका कैसी खांसी तुम्हारी है? अरे डॉक्टर साहब। अरे अनुराधा जी आ, क्या हुआ, कुछ घबराई हुई लग रही? डॉक्टर साहब आपने निखिल को देखा? निखिल नहीं तो? न जाने सुबह से कहाँ चला गया है। अच्छा अगर आपको कहीं नजर आए ना तो उसे जल्दी से घर भेज दीजिएगा, ठीक है? जी। डॉक्टर साहब ये लीजिए पर्ची, हम सारे नाम लिख लिए दवा के, मंगवा दीजिएगा ना जरा। अरे लाजो। अरे अनुराधा बुआ आपका भाई। वो सब छोड़, तू अभी भी दवा खाने आ रही है, तेरा ब्याह होने वाला है ना, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। शादी करके ससुराल चली जाएगी तो मेरे मरीजों का क्या होगा, मेरी डिस्पेंसरी का क्या होगा? अनुराधा बुआ अच्छा हुआ आप आ गई, वो कहे ना दादाजी का दवा सब खत्म हो गया है, हम बना के देते हैं, तनिक ठहरिएगा। हाँ इतनी लेन लड़की है, इस उम्र में इसकी शादी हो रही, ससुराल चली जाएगी, 12वीं तक पढ़ी है, थोड़ा और पढ़ती तो डॉक्टर बन सकती है। नहीं हमारे गांव में तो फूलों को खिलने से पहले ही छत दिया जाता है। बाबा बाबा पूरा घर छान मारा और पूरा बगिया देख लिए, लेकिन अपन निखिल बाबू ना ही मिले। तुम एक काम करो, तुम तीनों गांव का कोना कोना छान मारो, वो जहां भी मिले वो ले आओ उसे, जाओ खाली मत आना। मुसीबत में डाल दिया इस लड़के ने, कहां चला गया होगा। तुम एक काम कर रहा हूं राजा, यो कमिया आओ 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 सब सब जरा। तुम सब उसके खास दोस्त हो, इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो, अवश्य पता होगा। जरूर तुम लोगों ने कोई षड्यंत्र रचा है जिसके बारे में हमें बता नहीं रहे हो। तुम्हें जरूर पता होगा, बताओ। नहीं 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 बाबा हमें नहीं पता कि निखिल कहाँ है, इवन हम तो उसे ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो गया कहाँ। सच सच कह रहे बाबा जी, मुझे भी नहीं पता। अब बाबूजी आप तनिक भी चिंता ना करो, अगल बगल ही कहीं गया होगा। देखो अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम।
शर्म नहीं आती ना तुझे? वहीं जाके बैठ के आ जाना यार, आई एम रियली मिसिंग यू। क्या हो रहा है ये? वो कुछ नहीं। शैला ने बताया तुम आई हुई हो। I was looking for you। वो actually निखिल अपना iPad मेरे घर पे भूल गया था, तो I thought I'll come and return it। क्योंकि वो आएगा तो उसको जरूरत पड़ेगी, right? Right। वैसे वो कल आ रहा है या परसों? इशाना, मुझे समझ नहीं आता है वो अभी इस वक्त वहाँ पे गया क्यों है? कम से कम इस वक्त तो नहीं जाना चाहिए था। You're right। वैसे आंटी कहाँ है? I have a surprise for her। और जब मैं आ रही थी तो मैंने आंटी को कहीं देखा ही नहीं। मामा हॉल में होंगे। अच्छा लिसन, मामा से लास्ट में मिलना। Right now I need your help। Please मुझे कुछ दिखाना है। Come, come। बहुभोज, बहुभोज की बात कर रहा हूँ। 80,000 का खर्च पड़ेगा। अगर रुपया ना मिला तो बारात नहीं आएगी। दहेज की वजह से मैं लाजू को कोई तकलीफ ना ससुराल को। बस जो तकलीफ दे रहे हैं ना वो हमको दे दे, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। इतनी देर से कर रही होगी, थक गई होगी। पता है सुबह से ढूंढ रहे हैं तुमको एक बात बोलने के लिए। पूछेगी नहीं का? कौन सी बात हमेशा चबर चबर करती रहती है? का? अरे का बोलती रहती है ना माँ, पोखरा पे जाना है, पोखरा पे जाना है। तो हम सोचे कि भोले बाबा के मंदिर के पास जो पोखरा है ना, उसमें ले चलेंगे तुमको आज। चलेगी ना? आज सोमवार है। सोमवार है तो क्या हुआ? मालती को कौनो फायदा नहीं हुआ था। कहाँ मालती की बात लेकर बैठ जाती है, पकड़ ना। पूरा का पूरा 16 सोमवार उपवास रखा था मालती ने। क्या हुआ? हाँ? हमका समझ नहीं रहे का कि तुम क्या करना चाहते हो। अचानक से तुम रही पोखरा में हमारे साथ नहाने की बात करना, मिठाई और मंदिर की बात करना, पूजा करवाना चाहती हो हमसे ताकि 80,000 रुपए का इंतजाम हो जाए और किसी तरह से हमारी शादी हो जाए। बस पूजा करने से हम कब मना किए? अरे भोले बाबा के तो हम कितने बड़े भक्त हैं, जानती हो ना तुम भी। लेकिन ये झूठा लोगों के खातिर नहीं। झूठी बात लालची कहीं का। काहे करें हम? इसलिए करो कैसे तुम्हारी माई बोल रही है, समझी? अरे माई, वो 80,000 रुपए का इंतजाम ना हुआ तो क्या हो जाएगा? तो हम कह रहे हैं ना तुम्हारे माई बाबू है अभी सब कुछ करने के लिए। हम कर लेंगे लेकिन ये शादी ना, शादी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बोल देते हाँ। का बोली हो? का बोली हो? कुछ पूछ रहे हैं? दिया हुआ नहीं, अब शगुन फैलाना शुरू हो गई।
कुछ भी बोलोगी, कुछ समझ में नहीं आता है तुमको। माई, हम सच में ही शादी नहीं करेंगे जिसमें हमारे माँ बाबूजी को दहेज दहेज के चक्कर में पड़ना पड़े। माई, हम ना दिल्ली जाकर पढ़ेंगे, वहां पर ट्यूशन दे दे के अपना खर्चा उठाएंगे बस। लेकिन हाँ, बाबूजी पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुमको काहे ऐसा लगता है कि तुम बोझ बन गई हो? हमको ये नहीं समझ में आ रहा, ये सब बात तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से? कौन सिखाता पढ़ाता है तुमको? हाँ, अरे कोई नहीं सिखाया। हम बोल रहे ना, हम मजली और चुटकी का भी खर्चा उठा लेंगे, सब कर लेंगे बस। हम बोल रहे हैं कि पढ़ लेकर कुछ नहीं होने वाला है, वही रहना है ढाक के तीन पर। तो का लगता है पढ़ने के बाद रसोई छूट जाएगी का? नहीं होने वाला है कुछ पढ़ लिख कर, बोल रहे हैं हम। भाई, वो बिस्वा गांव की शांति बुआ है ना, उसकी बेटी डॉक्टरी पढ़ने के लिए गई है, वो भी लखनऊ, और घर पे खर्चा भी भेजती है। तो हम काहे नहीं कर सकते माई? सब लोग जाके कुआं में कूद जाएगा तो तुम भी जाके कूद जाओगी। ये सब यहाँ नहीं चलता, ये सब शहर की बातें, शहर में ही अच्छी लगती है। हम लोग गांव में सब नहीं चलता बिटिया। अरे काहे नहीं चलता है? नहीं चलता तो चलाएंगे हम। काहे बार बार हमको अपने से दूर करने की बात करती रहती हो माई? कैसे रहेंगे हम तुम्हारे बगैर? गांव से दूर, नदी से, खेत खलियान से, नहीं तुम लोगों को दुखी करके ना हम सुखी कैसे रह सकते हैं माई? हम समझ रहे तुम्हारे मन की बात, लेकिन एक ठो बात बोले, जब ब्याह होके तुम अपने घर जाओगी ना तो दिन रात सब बस परिवार में ही बीत जाएगा। हम सच बोल रहे हैं। फिर तुम्हारी माई यहाँ पे अकेले बैठ के ना यही सोचती रहेगी कि हमारी बुचिया ने कुछ खाया कि नहीं, कैसे रहती होगी, दोनों तुमको हमारी याद भी नहीं आएगी। कहाँ चला गया ये लड़का सुबह सुबह बिना बताए? गैर जिम्मेदार हो सकते हैं आजकल के बच्चे। मां साहब, क्या हुआ? इतने घबराए से क्यों? मां साहब, बहुत मुसीबत में है। मां साहब, अगर कछु समझ में आए, बैठ के बात करें। मां साहब, हमका कुछ समझ में आने करे तो क्या करे? अगर शाम तक समधी जी का 80,000 रुपया नहीं पहुंचाया तो हमारी लाजों का ब्याह टूट जाएगा। मां साहब, 80,000? बहु भोज का सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दिए। मां साहब, हम घर के कागज लेके महाजन के पास गए रहे, वो कुछ देने से मना कर दिया। मां साहब, तुमने पहले भी मना किया था और यहाँ आए तो इतनी देर से। मां साहब, हमारी लाजों का ब्याह टूटे से बचा लीजिए। मां साहब, हम आपके पांव पड़ते। पांव नहीं पड़ना, उठो। खड़ी देखो, 5 बज गए हैं, बैंक बंद हो चुका है, कहां से पैसे का बंदोबस्त करेंगे? अगर हम लाजो की मदद ना कर सके तो हम अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाएंगे, मालूम है? क्या करें अब? बाबा, आपने करेले का जूस पिया? जूस गया भाड़ में। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? अरे बाबा कुछ नहीं, बस वो रास्ते पे जा रहा था, कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, वो गिल्ली उड़ के जरा सी आंख बच गई समझ लो। ये बताओ, सुबह से कहाँ थे तुम? वो जहाँ भी थे वहां से फोन नहीं कर सकते थे क्या? शहर में रह के लड़के इतने
गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। सॉरी बाबा, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, प्लीज सॉरी। चलो ठीक है, गए कहाँ थे? मैं बाबा एटीएम गया था। एटीएम क्यों? अरे वो अपनी लाजो है ना, उसकी शादी के लिए पैसे निकालने, 80,000। काका, लाजो की ससुराल वालों ने 80,000 रुपए मांगे ना। लीजिए ना बुआ जी। नहीं, हम ही पैसे नहीं रख सकते हैं।